अफजेड S3 BS6 दो कारणों से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाली ये बाइक, जो कि एक्चुअल में है भी और नहीं भी। बाय द वे, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं इसी अफजेड S का लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा। इस बाइक को जो है दोस्तों मैंने 10,000 किलोमीटर चला लिया है, और इतना चलाने के बाद इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ दो जो कारण है जिनके कारण कंट्रोवर्सी में है ये बाइक या रही थी, वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। पहला कारण, 150 सीसी की होके भी ये जो बाइक है इस सेगमेंट की सबसे कम पावरफुल बाइक है। कुछ लोग तो इसको 125 सीसी से भी कंपेयर करते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है टैंक पैनल इशू का, वो काफ़ी ज़्यादा है। टैंक पैनल इशू कुछ दोस्तों को हो रहा है, कुछ को नहीं भी हो रहा है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास है या नहीं है उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा। साथ ही साथ ये जो बाइक है आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इस बाइक को मैंने क्यों लिया या फिर आपको क्यों लेनी चाहिए, वो भी यहाँ पे बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट, तो इस बाइक को मैंने क्यों लिया, काफ़ी दोस्तों के सवाल जब मैंने इसकी डिलीवरी ली और जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब आपने पूछा था, तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। वो है इसका डिज़ाइन। एक्चुअली जो अफजेड थी 2011 में मैंने ली थी, और उसको मैंने 2019 तक चलाया, काफ़ी चलाया, और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि उसका जो इंजन रिफाइनमेंट था, या फिर यूँ कह लें यामा का जो इंजन रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और माइलेज, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है माइलेज की, तो जो इस सेगमेंट की और बाइक्स थी उनका जो माइलेज है वो कुछ दिनों बाद या 1 से 1.5 साल बाद जो है डिक्रीज हो जाता था। और यहाँ पे जो अफजेड है इसका जो माइलेज है, जब मैंने 2011 में ये बाइक ली तब से 2019 तक, स्टिल 2019 तक इसका जो माइलेज है वो मुझे 42 kmpl का मिल रहा था, और इसी कारण मुझे अफजेड पे भरोसा था। और इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है, इसका मतलब एक इसकी जो हैंडलिंग की स्मूथनेस है वो मुझे किसी और बाइक में देखने को नहीं मिली। हालांकि अभी जो न्यू बाइक आ रही है लाइक हीरो एक्सट्रीम ले लो या फिर एक्सप्लेंडर ले लो, उनकी जो हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है, और या फिर यूँ कह लें अपाची या इस सेगमेंट की जो और बाइक्स हैं उनकी हैंडलिंग क्या काफ़ी हैवी थी, काफ़ी बल्की फील होता था। मतलब इसकी जो हैंडलिंग अगर आप चलाओगे तो आपको बिल्कुल भी बल्की फील नहीं होने वाला है। और अफजेड पे मेरा भरोसा था, इंजन रिफाइनमेंट सबसे बेस्ट है यामा का, और इसी कारण मेरा जो ध्यान है इसी बाइक पे गया। मैंने अवेंजर को भी परचेज करने का सोचा था, और पूरा प्रोग्राम भी था अवेंजर को परचेज करने का, लेकिन लास्ट में फाइनल डिसीजन मैंने ये लिया कि मैं अफजेड ही लूँगा, तो मैंने ये जो बाइक ली। अगर आपको भी इसका लुक पसंद है, आप लोग इसका लुक देख सकते हो, फ्रंट में जो हेडलैम्प है वो काफ़ी अच्छी है, और साइड से आप लोग जो टैंक पैनल है वो देख सकते हो, मतलब हैवी बल्कि टैंक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो डार्क नाइट एडिशन है, यहाँ पे स्टिकरिंग जो है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको जो है क्रोम फिनिश मिल जाती है, और लुक के मामले में आपको ये जो बाइक है बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करती है। और अगर आपको इसका लुक पसंद है, आपको हैवी बल्कि लुक पसंद है, मस्कुलर टैंक पसंद है, मस्कुलर लुक पसंद है, देन यू शुड बाई दिस बाइक। अदरवाइज अगर आपको ये लुक पसंद नहीं है, आपको एक शार्प लुक चाहिए, तो आप लोग जो है इस सेगमेंट की दूसरी बाइक की तरफ जा सकते हो। तो मेरा जो फर्स्ट ओपिनियन था इस बाइक के साथ वो यही था कि इस बाइक को जो है मेरा लेने का पहला पर्पस था, जब इस बाइक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, वो था इसका डिज़ाइन। और अगर आपको भी इसका डिज़ाइन पसंद है, इस बाइक का लुक पसंद है, देन आपके लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, आपको बताया है। तो यहाँ पे जो पहला रीज़न था वो यही था, इसका डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत प्लान बनाया कि नहीं यार मैं यही बाइक लूँगा, तो मेरा बाइक लेने का सीधा सा मोटिव यही था, इसका डिज़ाइन। और दूसरा जो कारण है इस बाइक को लेने का वो है यामा का इंजन रिफाइनमेंट। तो दोस्तों मैंने यामा को 9 साल यूज़ किया, और इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस बाइक को जो है परचेज किया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, 9 साल में मैंने जो है इंजन का एक बार भी काम नहीं करवाया, और जो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट था वो हर महीने या फिर यूँ कह लें हर 2 से 2.5 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद जो आता था वो आता था 800 से 900 रुपये। और अगर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके कोई मतलब आपके मन में डाउट है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, या इस सेगमेंट की जो और बाइक है या अदर बाइक है, इस सेगमेंट के नहीं 110 सीसी या 100 सीसी है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो क्या आता है और क्यों आता है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका इंजन जो है 150 सीसी होके भी ये जो बाइक है सबसे कम पावरफुल बाइक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, इस बाइक में 149 सीसी का इंजन मिलता है, और अगर इसके पावर की बात करें तो वो हमें मिलता है 12.4 bhp का, और अगर इसके टॉर्क की बात करें तो वो हमें मिलता है 13.6 न्यूटन मीटर का। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है, यार क्या पावर होगा, 12.4 bhp का पावर है तो ये जो बाइक है कितना स्ट्रगल करेगी, कितनी इसकी टॉप स्पीड है, और कितना जो है अपने इस सेगमेंट की अदर बाइक को कंपटीशन देगी। अब पावर की कमी फील कहाँ होती है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर इसके सामने जो है अपाचे INS या फिर हीरो एक्सट्रीम होगी, और उनका जो पावर है वो इनिशियली पिकअप है, और अगर वो जो है बाइक पावर 4 से 5 सेकंड में लेती है, जो स्पीड लेती है
वो ये जो बाइक है वो 7 से 8 सेकंड में लेती है। तो यहाँ पे हमें जो है पावर की कमी फील होती है। बाकी अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे इस बाइक को तो आपको बिल्कुल भी पावर की कमी फील नहीं होगी। माइलेज की अगर बात करें इस बाइक की तो वो हमें मिलता है 54 के एम्पीयर का, 50 प्लस मानो, कभी 54 कभी 52, इतना माइलेज जो हमें इस बाइक में मिलता है। और अगर आपको माइलेज को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप लोग माइलेज टेस्ट वीडियो जाके देख सकते हो। तो यार मतलब ऐसा नहीं है यार, मैं मेरी बताता हूँ, मैं क्या है बाइक को इतना भगाता नहीं हूँ। मुझे नॉर्मली जो है 9500 या फिर जो है 90 कभी 70 कभी 80 इसी स्पीड में बाइक चलाता हूँ। तो मुझे पावर को लेके इतना वो कॉन्सेंस नहीं हुआ यार कि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए। और एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको, सब लोग पावर के पीछे भागते हैं, लेकिन हर बाइक में ज़रूरी नहीं कि पावर ही सब कुछ हो। और कोई भी बाइक ले लो आप, कुछ ना कुछ कमी आपको हर बाइक में मिलेगी। किसी में आपको फीचर ज़्यादा मिलेंगे, किसी में आपको पावर कम मिलेगा, किसी का माइलेज कम मिलेगा। तो परफेक्ट बाइक कोई भी नहीं है। बाकी इस बाइक की मैं बात करूँ तो इसमें पावर की कमी है, बाकी इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पावर की कमी फील कहाँ होती है वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ज़्यादा बाइक भगानी नहीं है, अगर आप ड्रैग रेस नहीं करते तो आपको जो है पावर की कमी फील होने वाली नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस बाइक से, कोई भी शिकायत नहीं होगी। और अगर इसके टायर्स की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे टायर मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट में हमें 100.60 mm का टायर मिलता है और जो रेयर टायर है वो हमें 140.60 mm का मिलता है। और टायर यार अगर रेयर टायर की बात करें तो यहाँ पे यार MRF के रेडियल जैपर टायर हमें मिलते हैं और MRF के टायर काफ़ी अच्छे हैं। और जो इस सेगमेंट के अदर बाइक्स हैं उनमें है किसी में TVS के आते हैं, किसी में है C8 के टायर आते हैं, बस बाकी इसके जो टायर है वो काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो यार सच में यार यामा का जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं एक बार जा रहा था, मेरी स्पीड थी 90 to 95 की और सामने गाय आई, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ, रूरल एरिया में हूँ। और रूरल एरिया में रहता नहीं हूँ एक्चुअली, रूरल एरिया में मुझे जाना था तो हाईवे पे था और मैं जा रहा था, सामने से अचानक से गाय आई और मैंने ब्रेक मारा यार। मतलब मेरी जो बाइक है वो 90 to 95 की स्पीड में थी और मतलब मात्र 5 सेकंड में जो है मेरी बाइक रुक गई और कहीं पे भी स्लिक नहीं हुआ टायर वगैरह। और ब्रेकिंग सिस्टम यार काफ़ी अच्छा है, मतलब यामा का जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये सबको पता है। और अब तो कई लोग मानेंगे कई लोग नहीं मानेंगे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूँगा, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, आप लोग इसका जो है राइडिंग रिव्यू देखिए। ऑफ रोडिंग में मैंने इसका जो है राइडिंग रिव्यू किया है तो वहाँ पे आप लोग जाके देखिए, उसमें जो है आपको पता चल जाएगा इसका जो सस्पेंशन है वो कैसा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके लाइटनिंग सिस्टम की तो उसको भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी काफ़ी डिमांड आ रही है कि यार इसका जो है लाइटनिंग सिस्टम का एक नाइट रिव्यू दो, तो वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का होगा और मैं दिखा दूंगा आपको इसका जो लाइटिंग सिस्टम हो कैसा है। बाकी मैं नाइट में काफ़ी लेट नाइट तक आता हूँ तो मुझे नाइट विजन को लेके कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका जो विजन है काफ़ी अच्छा है, LED है इसमें, लाइट मिलती है, फ्रंट में LED हेडलैम्प है, इंडिकेटर हमें नॉर्मली जो है बल्ब मिलते हैं और जो रेयर टेल लैम्प है वो हमें बल्ब मिलते हैं। अब यहाँ पे मेरी एक शिकायत थी कि यार इसमें जो इंडिकेटर है वो अगर LED दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। और हैंडलिंग की बात करें दोस्तों, साथ ही साथ मैं जो मुझे अच्छा लगा वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हैंडलिंग की बात करें तो काफ़ी स्मूथ है यार, बटरी स्मूथ है। जब आप लोग इसकी टेस्ट ड्राइव लोगे तो ही आप समझ पाओगे, मेरे बताने से नहीं होगा। अगर आप इस सेगमेंट की कोई और बाइक देखना चाहोगे तो मैं आपको कंपेयर करके बता दूँ, एक्सप्लेन का और जो हीरो एक्सट्रीम है उनकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, इसके लेवल की है, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आप अपजेट चलाओगे और एक्सप्लेन और एक्सट्रीम चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके समझ में आएगी इसकी जो हैंडलिंग है वो क्या है। अपाची 2 भी है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, अपाची 2 भी की हैंडलिंग है वो काफ़ी हैवी है, बल्कि है, और NS की भी बल्कि है, अपाची 4 भी की भी बल्कि नहीं है, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है, काफ़ी स्मूथनेस है। और राइडिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगेन मैं बोलूँगा जो राइडिंग रिव्यू है उसमें आप देखना, आपको पता चल जाएगा इसकी जो राइडिंग क्वालिटी कैसी है, सीट कुशनिंग कैसी है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में मैंने। और मिरर की बात करें तो यार मिरर का विजन जो है काफ़ी अच्छा है, फुल विजिबिलिटी है, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, इसका जो टैंक पैनल इशू है वो तो वो क्यों होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ, मैंने एक वीडियो में बताया, बाकी मैं अगेन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या इसमें दो ही स्क्रू लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो दो यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसमें क्या सारा जो वेट आता है वो अगर यहाँ पे भी हम लोग बैठेंगे, तीन लोग बैठेंगे या थोड़ा भी दबाव पड़ेगा तो ये जो स्क्रू है वो जगह छोड़ देते हैं, ये जो पत्ती है इसके अंदर वो निकल जाती है, इसके पैनल टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एक ही उपाय है, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दो स्क्रू है वो लगवाने पड़ेंगे, उससे क्या ये फिट हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है आपको लेमिनेशन करवा लेना है या आप लोग जो है वार्पिंग करवा सकते हैं, उससे क्या आपका जो है स्क्रू दिखेंगे नहीं। दूसरी आप लोग दो स्क्रू यहाँ लगवा लीजिए, दो यहाँ है, दो यहाँ लगवा लीजिए, दो यहाँ, तो इसमें 6 स्क्रू आपको और लगवाने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आपका टैंक पैनल इशू नहीं होगा। मैं इस बाइक को दोस्तों 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और मुझे टैंक पैनल इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मैंने कितना चलाया है, आप लोग यहाँ पे मीटर कंसोल में देख सकते हो,
यहाँ पे देखिए 9950 किलोमीटर इस बाइक को जो है मैंने चला लिया है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिख रहा होगा। बाकी इतना चलाने के बाद इस बाइक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, टैंक पैनल इशू भी नहीं हुआ यार। हालांकि होता है वो वेट के कारण होता है, अगर इस पे वजन पड़ गया या किसी ने ऐसे मतलब ऐसे बैठ गए, हम लोग काफ़ी आदत होती है यहाँ पे ऐसे बैठ गए तो उससे क्या दबाव पड़ता है उसके कारण ये टूट जाते हैं। टैंक पैनल इशू आप लोग देख सकते हो, हल्की हल्की सी यहाँ पे दरार है, हल्की हल्की सी जगह हो चुकी है, तो ये काफ़ी जल्दी टूट जाएगा क्योंकि मैं खुद एक बार इसको तोड़ना चाहता हूँ। तोड़ूंगा तभी इसका जो है सोल्यूशन वाला वीडियो बनेगा, इतने इसका जो है वीडियो नहीं बनने वाला है क्योंकि जब टूटेगा नहीं तो मैं वीडियो कहाँ से बनाऊंगा यार। बाकी इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है और वो एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं इसका टैंक पैनल इशू वाला जो है डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये टूटते ही वो वीडियो आ जाएगा, तब तक आप लोग वेट। और दोस्तों एक जो सबसे कॉमन सवाल है वो है आप दोस्तों का ये कि इसमें जो है हीटिंग इशू होता है या नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इस बाइक को जो मैं 15 दिन में 2 बार लॉन्ग राइड पे लेके जाता हूँ, 350 किलोमीटर की मेरी राइड होती है क्योंकि मैं जिस फील्ड में जॉब करता हूँ वहाँ पे मुझे जाना ही पड़ता है, मतलब हफ्ते में 1 बार, तो 15 दिन में 2 बार तो मैं इस बाइक को लेके जाता हूँ और मुझे बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं हुआ। अब यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, आप में से ही किसी एक भाई ने मुझे इंस्टा पे एक छोटा सा वीडियो भेजा था कि इसमें जो है स्मोक निकल रहा था, कुछ दोस्त थे वो इसको दिखा रहे थे कि यार इसमें स्मोक निकल रहा है, पहले उन्होंने काफ़ी भगाया बाइक को और उसके बाद दिखाया कि इसमें धुआं निकल रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों निकलता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है BS6 में कैटलेटिक कन्वर्टर आता है और इस सेगमेंट की किसी भी, इस सेगमेंट की नहीं बोल रहा मैं, BS6 की कोई भी बाइक आप ले लो और अगर आप उसको 20 से 30 किलोमीटर भगाओगे, जैसे ही वो कैटलेटिक कन्वर्टर है जो गर्म होगा तो उसके ऊपर आप पानी डालोगे या थोड़ा भी पानी का छींटा डालोगे तो स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो वीडियो है जिसमें उन लोगों ने दिखाया कि स्मोक निकल रहा है तो वो वही कारण है, उन्होंने पानी डाला है और फिर स्मोक निकलना शुरू हो गया है। बाकी मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं 350 किलोमीटर लेके जाता हूँ और अभी तक मुझे हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और ऑनेस्टली यार मतलब हीटिंग को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको विंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली फार्म हाउस में हूँ तो यहाँ पे क्या पक्षियों की आवाज़ और जो विंड नॉइस है वो आएगी आएगी और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो मैं पहले ही आपको सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी हीटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं है इस बाइक में, और अब मैं आपको बताता हूँ ये बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग 2 चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, पहला टैंक पैनल इशू और दूसरा जो है इसका पावर, अगर आपको ज़्यादा पावर से मतलब नहीं है और आप नॉर्मल बस डेली यूज़ के लिए बाइक लेना चाहते हो तो आपके लिए जो बाइक है बिल्कुल परफेक्ट है, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग जो है ये बाइक ले सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो ये बाइक जो है आप लोग अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको भगानी है बाइक 110, 120, 130 पे चलानी है तो ये जो बाइक है आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग जो है दूसरी बाइक देख सकते हो। बाकी आपको नॉर्मली डेली यूज़ के लिए बाइक चाहिए, आप 80 से 90, 100 या 110 किलोमीटर की स्पीड में बाइक चलाते हो तो आपके लिए ये बाइक है। और टैंक पैनल इशू दोस्तों क्यों होता है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, फिर भी इस वीडियो में कुछ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो या फिर आप लोग जो है मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे DM कर सकते हो। बस अब मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली दफा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।